वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद अस की एक और नई वीडियो में। अब तक हम राइटिंग स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है इनविटेशन। हमने देखा कि इनविटेशन कितने टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। फिर हमने फॉर्मेट पे बात करी थी और एग्जाम्पल्स भी देखे थे। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि रिप्लाई कैसे देते हैं इन्विटेशन। अगर आपको किसी ने दिया है, किसी ओकेजन पर इन्वाइट किया है, तो आप किस तरह से उसे रिप्लाई देंगे। कल हमने फॉर्मल रिप्लाई देखे थे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इनफॉर्मल रिप्लाइज। कि सपोज किसी आपके फ्रेंड ने या किसी कलीग या एक्वेंटेंस ने आपको किसी तरह का कोई इन्विटेशन दिया है, तो आप किस तरह से उसे इनफॉर्मल वे में रिप्लाई करेंगे। तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दो एग्जाम्पल्स मैंने आज के लिए सिलेक्ट करे हैं। उन पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनफॉर्मल रिप्लाई का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इनफॉर्मल रिप्लाई की जो फॉर्म होगी वो पर्सनल लेटर की तरह ही होगी, जो कि आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या फिर एक्वेंटेंसेस को लिख सकते हैं। फिर इनफॉर्मल जो रिप्लाई होगा उसमें आप फर्स्ट या फिर सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे। आपका जो स्टाइल होगा रिप्लाई लिखने का वो रिलैक्स्ड होना चाहिए और इनफॉर्मल होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट को बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना है, और जो वर्ड लिमिट दी जाती है इस टॉपिक को लिखने के लिए वो 50 वर्ड्स मैक्सिमम होती है। इसके अलावा आप इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स या फिर कुछ इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज ये इनफॉर्मल रिप्लाई है। और सबसे खास बात, पुट इट इन अ बॉक्स। बॉक्स बनाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहला जो एग्जांपल है वो है कि आपकी फ्रेंड नेहा, उसने आपको अपनी सिस्टर की वेडिंग पे इन्वाइट किया है, लेकिन आप किसी रीजन की वजह से वेडिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको उसे इनफॉर्मली रिप्लाई करना है। वो आप कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले फॉर्मेट देखिए। पहले आप अपने एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 205 करोल बाग न्यू दिल्ली। उसके बाद डेट मेंशन करेंगे, फिर शुरू करेंगे अपना रिप्लाई। डियर नेहा, आपकी जो, याद रखिएगा, इनफॉर्मल रिप्लाई में जो टोन होनी चाहिए इनफॉर्मल ही रहनी चाहिए और फ्रेंडली होनी चाहिए। तो आप शुरू इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ योर सिस्टर्स वेडिंग। आई हाउएवर रिग्रेट माई इनेबिलिटी टू बी विद यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज वी शेल बी लीविंग फॉर देहरादून ऑन डैश। अब मैंने कैसे स्टार्ट किया है कि सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है कि उन्होंने, नेहा ने अपनी सिस्टर की वेडिंग पर आपको इन्वाइट किया, लेकिन आप उस हैप्पी ओकेजन में उन्हें कंपनी नहीं दे पाएंगे। और मैंने कल ही बताया था, जब भी आप रिफ्यूज कर रहे हो इनविटेशन, तो वो भी आपको पोलाइटली करना है, और आप रीजन देंगे, स्पेसिफाई करेंगे रीजन कि आप वो इनविटेशन क्यों, मतलब वहां पे क्यों नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया है, आई हाउएवर रिग्रेट माई इनेबिलिटी टू बी विद यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज वी शेल बी लिविंग फॉर देहरादून ऑन डैश। वो डेट मेंशन करेंगे, क्योंकि उसी डेट पर आपको देहरादून जाना है जिस दिन नेहा की सिस्टर की वेडिंग है, तो इसीलिए आप उनकी जो सिस्टर की वेडिंग वो अटेंड नहीं कर सकते। फिर आगे आप लिख सकते हैं, प्लीज एक्सक्यूज माई एब्सेंस एंड डू कन्वे माई रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस टू द कपल। तो आप जो एंड करेंगे वो कुछ अच्छा लिखकर अपना रिप्लाई एंड करेंगे, और लास्ट में योर सिंसियरली अपना नाम आरिफ या फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जो था, ये रिफ्यूजल था इन्विटेशन का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है वो एक्सेप्टेंस। सपोज कि आपकी फ्रेंड स्वाति ने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया है, और आप सोनल हो। अब आपको ये जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट करना है, तो आप इसको कैसे रिप्लाई देंगे इनफॉर्मली। सबसे पहले वही चीज़, अपना एड्रेस, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 92 MIG फ्लैट्स कीर्ति नगर। डेट मेंशन करेंगे, देन डियर स्वाति करके आप आगे कंटिन्यू करेंगे। आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी ऑन, डेट मेंशन करिए, एट टाइम आप मेंशन करेंगे, एट होटल ओबेरॉय, जहाँ पे भी वेन्यू है पार्टी का वो लिख दिया आपने। फिर आगे आप लिखेंगे, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर। कि मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि हमारे जितने भी पुराने दोस्त हैं वो भी वहाँ पर होंगे। आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन। तो इस रिप्लाई में आप ये कह रहे हैं कि आप उनका जो बर्थडे पार्टी है वो अटेंड करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटस ओकेजन।
इस तरह से आप एंड कर सकते हैं विद लव सोनल। विद लव इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है बहुत ज्यादा मिलने वाला तो आप लव यूज कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आप योर सिंसियरली लिख सकते थे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, अगर आपको कोई इन्वाइट करता है आपका फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव और आपको उसे इनफॉर्मली रिप्लाई देना है तो आप वो किस तरह से देंगे। और अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाए तो मैं आपको श्योरिटी दिला सकती हूँ कि आपके फुल मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और ये जो लाइंस है इनको यूज करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो देन गिव्स इट अ बिग थम्स अप। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएं, शेयर कीजिए और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।